लो जी, मेरे बनियो सारों सत श्री अकाल, किसान जिंदाबाद, सलाम अलैकुम, नमस्कार, नमस्ते, राम राम जी। तो जी बाबा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आ जाए। तो दे भाई, पहले तो यार सॉरी, मैं थोड़ा लेट आता हूँ कॉमेड करने के लिए, क्योंकि इधर उधर हो जाता हूँ, ठीक है। टाइम थोड़ा ये वो, तो हॉलीडे चल रहे तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। कभी कभार बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है जान। टेंशन मत लिया करो, टेंशन दिया करो, ठीक है। तो भाई चलो, लेकिन आपकी वीडियो तो मैं देख लेता हूँ। कॉमेडी यार करने के लिए कभी ना वो इतना टाइम नहीं होता। रात को काम करता हूँ, सारा दिन रजिस्टर पे काम करता हूँ, तो बच्चे गए हुए बाहर, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, तो इधर स्टोर में फंसा हुआ हूँ। वैसे भी तो गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, तो कहीं जा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए फंस गया हूँ, ठीक है। अच्छा तो भाई चलो, ये वो तो ठीक है यार, तो आपकी वीडियो कसम से बोलता हूँ बहुत मज़े की होती है, देखने में बड़ा मज़ा आता है, टाइम निकल जाता है। तो भाई अगर कॉमेडी नहीं पाया टाइम पे कर सकते तो समझा करो भाई, आपकी वीडियो हमेशा ही है, सभी की अच्छी होती है, तो प्लीज़, ठीक है। ये मत समझना कि मैं नहीं आया तो गालियाँ देनी शुरू कर दो, ठीक है। तो यार चलो, वो तो चलता रहता है, ठीक है। अच्छा मेरी दो बात सुना रहा हूँ आज भाई, अगर गाली वाली निकल गई ना आज माफी मांगता हूँ, ठीक है। ये मजे के बिना, गाली के बिना मजा भी नहीं आएगा साला इसमें, सही है। अच्छा पहली वो तो कुत्ते की चुन लो, वो कुत्ता साला यहाँ पे ना ऐसे घूमता है जैसे साला चौकीदार लगा हुआ है यहाँ पे कहीं। साला अपनी मर्जी के पूरी रात घूमता है और पेशाब करता है वहीं पे आके, जिसे खाया मैंने, ठीक है। तो साले को वीडियो में पकड़ा रात को, वो भी देख रहे थे, तो 5 बजे सुबह काम करते करते कि कौन आता है आज। तो सुबह सरदार जी आया, एंड की आंख मारू टांग ऐसे उठाता है जैसे पिस्टल चलाने लगा हो। मैं सोच रहा हूँ साले चूहे वाली खिड़की लगा दू, सारा सामान वहीं फंस जाए, एंड की आंख मारू इसकी। गलत काम तो मेरे को आती है ना। चलो छोड़ यार, वो कुत्ता तो चलो कुत्ता, एक लड़की रहती है यार बहन की आगे, पता नहीं मैंने ऊपर वाले का क्या बगाड़ा है, जो मेरे पैसे कोई ना कोई पड़ा रहता है, ठीक है। और साली एंट्री ऐसे मारती है ना यहाँ पे, देसी है वो, ठीक है। पता नहीं कौन है वहां पे, बताती नहीं है कौन है कहाँ से है, ठीक है। साली हिंदी भी जानती है, पंजाबी भी जानती है, इंग्लिश तो चलो पढ़ी लिखी है यहाँ की, तो यहीं की है वो भी, तो गाड़ी को आती है, ठीक है, तेरी पूरी पंजाबी हिंदी सब आती है उसको। तो एडी साली एंट्री ऐसे मारती है जैसे सस्पेंस फिल्म में साला कोई पकड़ता है। यार परसों तरसों मेरे दोस्त आए हुए थे, तो मेरे दोस्त काफी है, क्या करूँ, ठीक है। तो उतना बड़ी पार्किंग अलाट नहीं, तो गाड़ियां वाड़ियां इधर उधर खड़ी करनी पड़ी सभी दोस्तों को, ठीक है। तो एडी ने एंट्री मारी, पता नहीं साली क्या सोडा लेने आई थी। बोलती है लगता ये प्रधानमंत्री के बेटे का स्टोर है, कस्टमरों को बाहर कड़ी गाड़ियां करनी पड़ती है अंदर आने के लिए इसके स्टोर में। इनकी आंख मारू, मैंने कहा तेरी माँ की आंख, तेरे मैंने तेरे को फोन किया था, तू आ मेरे स्टोर। इनकी एडी साली, चलो वो तो ठीक है, ठीक है, वो तो खत्म हो गया, चलो गलती थी, तो दोस्तों ने गाड़ियां ज्यादा थी तो टाइम इतनी वह पा रही नहीं थी, चलो वो ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। और फिर मैं अपनी बेटी को ना 1-2 महीने से ना पिस्टल सिखा रहा हूँ चलाने के लिए, गोली कैसे चलाते, निशाना कैसे लगाना, ये तो बहन की माँ की आंख मारू। आज सुबह मैं उसको फिर सिखा रहा था, मैंने कहा बेटा ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, ठीक है। तो इसके अंदर रौंद ऐसे डाला, ये वो ना, तो 3 सिया, मैं तो भाई अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता हूँ, कोई कब क्या होना है नेवर नो, पर पहले इज्जत और सब कुछ सिखाता हूँ, ठीक है। बाद में जो होता है वो बाद में होता है, तो लेकिन रिस्पेक्ट है जो पेरेंट्स को बच्चों को, लेकिन सिखाना भी सारा कुछ चाहिए ताकि कभी कुछ हो जाए तो येवर नेवर नो, ठीक है। तो मेरे लिए तो बच्ची भी मेरी एक बेटा ही है, मैं अगली मैं अपनी बच्ची को बेटी ज़्यादा सिखाता हूँ सारा कुछ, ताकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे, ठीक है। अच्छा चलो वो भी हो गया, तो मैं उसको सिखा रहा हूँ, तो आज ऐसी बाहर ना सुबह बहन की आंख मारूँ, तो बेटी ऐसे लगी हुई थी तो निशाने लगा रही थी पिस्टल से, ठीक है। तो एडी एंट्री मारती है, बोलती है हाँ इनको भी खराब कर, तू तू फायदा खराब करने के लिए हुआ यहाँ पे साली एडी। मैंने कहा मेरी माँ तेरे मेरे तरफ क्या बगाड़ा है, ठीक है, तू मेरे को एक बता दे बात, तू कहाँ जी, बोलते है क्यों, तू मेरे से शादी करेगा पहले ले।
मैंने कहा मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगा बहन की आंख तेरी की, तेरे से शादी ना करूंगा ठीक है। बोलती हाँ ट्रेन के आगे नीचे मर जा, तेरी माँ की आंख किसी लड़के का काम बताइयो। बोलती है तू कीड़े पे आके मरेगा। अरे बद्दुआ कैसी कैसी देती है यार। ठीक है पर मैं भी अड़ा हूँ, मैंने कहा फिक्र मत कर, मैं अगर मेरे को कीड़े पड़े ना मैं भी तेरे सपनों में आया करूंगा, एक कीड़ा तेरे कार के अंदर फेंका कर। हाँ वो तो पता ही है, जितने गलत काम है तेरी कुंडली में लिखे हुए। यार मैं बंदा क्या करे, अब लड़कियां बहन की आंख मारू कोई इतनी वो एड़ी है तो मैं भी तो फिर एड़ा हो जाता हूँ ना, मैं तो जैसा बंदा होता है भाई वैसा हो जाता हूँ ठीक है। आ रहा हूँ क्या कौन है कौन नहीं है। तो फिर बोलती है हाँ हाँ भाई सिखाओ सिखाओ। ठीक है मैंने कहा हाँ तेरे को तकलीफ क्या है। बोलते नहीं तू तकलीफ तकलीफ तो कोई नहीं है। बोलती है तू मेरे को सिखा पहले तेरे को गोली मारूंगी। मैंने कहा तेरी मां की आंख मेरे को काले कुत्ते ने काटा हुआ है, ऐसी आंख जो तेरे को सिखाऊंगा और खुद गोली खाऊंगा। अली बोलती है तू मेरे को सिखा बहन की आंख तेरे को गोली मारूंगी। तो यार किस्मत पता नहीं क्या मैंने लगा गया है, मैं तो उस बंदे को जानता तक नहीं चली कौन है कौन नहीं है। यार रहती है हमने यहाँ पे स्टोर खोला है ठीक है, एक तो वैसे ही मेरा देशियों में ना चला गया, वही कोई लड़का बाहर जाके स्टोर खोल रहा है यहाँ पे, देशियों की ऑलरेडी फट चुकी है जी। ठीक है अब जी बहन की आंख मारू ये मेरे स्टोर से सिर्फ तीसरे घर पे रहती है, अब बंदा उसको क्या बहन की आंख रातों रात मूव करा के हो। मैंने कहा चल पुत्र अब तो लेखा देखा देना ही पड़ेगा इसका रोज। और सारी सुबह जाती है ना काम पे, हॉर्न गाड़ी खड़ा के ऐसे मारती है जैसे साली मेरे मेल बॉक्स में मेल डालने आई हुई। अरे पे हॉर्न की माँ की आंख मारती है मेरे स्टोर के आगे। तो मैं कहता हूँ चलो भाई एडीएच निकल गई है बाहर जा सकते हो। तो चलो भाई आज के लिए ये काफी था, बता दिया मेरा दुगड़ा, अब गाली वाली निकली है तो माफ करना यार। तो चलो ठीक है एक दूसरे से प्यार से रहा करो, मैं तो ट्राई करता हूँ गालियां खाता हूँ, आप भी देखो भाई प्यार से रहना, मैं भी फिर प्यार से रहता हूँ गालियां खा के भी ठीक है। तो भाई चलो आज के लिए इतना काफी है, तब तक करके रब रागा ठीक है।